आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मोरपैन लैब लिमिटेड। क्या इस कंपनी में आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से यह कंपनी बिल्कुल चला ही नहीं है। आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम का चार्ट अगर आप उठा के देखते हैं तो इस कंपनी में कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी यह कंपनी एक बड़ी जंप लगाने के चक्कर में है। ऐसा ही यह कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आपको एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यह कंपनी एक बड़ी ग्रोथ आपको जरूर दिखाएगा। देखते हैं कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले अगर इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग की बात करें तो 27.35 रुपये पे इस कंपनी ने क्लोजिंग लिया है 0.5% की गिरावट के साथ में। कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको ये पिंक लाइन देखने को मिलेगा। जो ये पिंक लाइन है वो है 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यानी कि जैसे ही कंपनी इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में आपको पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 31.50 रुपये पे। जैसे कंपनी 31.50 रुपये को भी ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में 34 रुपये का तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। यह कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करेगा कि नहीं करेगा उसको देख लेते हैं इस कंपनी के RSI में। आप देखेंगे RSI लेवल पे यह 55 पहुंच चुका है, यानी कि काफी बुलिश हो चुका है। यहां से इसमें एक बड़ी जंप देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा है 25 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट होगा 31.50 रुपये का, जैसे इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो आपको 34 रुपये का अगला टारगेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि अपसाइड में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है और आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नॉमिनल सा है। तो बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। कंपनी के कुछ न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर इनके कुछ पास हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा तो शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है, या फिर ये कहें कि मैनकाइंड की जो लिस्टिंग होगी, अगर बम्पर लिस्टिंग वहाँ होती है तो फार्मा स्टॉक में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यह कंपनी अपने हाई से आपको 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है और जो बड़े बायर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कंपनी के साइड में, तो बिल्कुल इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है बिल्कुल बाय करके रख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बाद ही इस कंपनी को बाय करें, क्योंकि छोटे साइज का उसका कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।